आज हम लोग स्नेक बनाना सीखेंगे पेपर से। अगर आपके पास नहीं है तो आप न्यूज़पेपर से भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर पेपर लेंगे, उसको हम लोग पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको नेल से ऐसे करके या स्केल से ऐसे करके मार्क कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको हम लोग इस तरह से मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा इस तरह से यहाँ पर सेंटर पॉइंट बन जाएगा। ऐसे ही सेंटर पॉइंट पीछे भी होगा, आप वहाँ पर भी एक पेंसिल से निशान बना लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, इस कॉर्नर को उठा करके इस पॉइंट से मिला देंगे, ठीक। इसको इधर से मिला देंगे, इसको इधर से मिला देंगे और इसको हम इस तरफ से मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया, ये मेरा चारों कॉर्नर्स मिल गया। इसके बाद हमने इसको इधर से ऐसे करके हमने फोल्ड कर पलट दिया और उसके बाद जो हमारा कोई भी हम लेंगे वो वन साइड लेंगे, इधर इधर का मोड़ेंगे या इधर का मोड़ेंगे, कोई भी दो साइड। इसको हमने लिया, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब फिर हम इसको वापस उसी तरफ ले जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे ये हमने कॉर्नर्स मोड़े थे। इसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हमने ऐसे फोल्ड करके इस तरफ मिला दिया और उसके बाद इसको हमने इधर से लिया है, ये हमारा इस तरह से बन गया, ठीक। अब ये जो ट्रायंगल है इसको हमने इस तरह से ऐसे फोल्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक। ये इस तरह से बन गया हमारा, है ना। अब क्या करेंगे, ये जब हमने ऐसे करा तो इसको वापस फिर पलट देंगे और ये जो दो कॉर्नर्स दिख रहे हैं हमारे, ये निकले हैं, इसको हम क्या करेंगे, धीरे से इसको हम ऐसे करके ऐसे स्ट्रेट कर देंगे और इधर से उठाएंगे, इस कॉर्नर से हमने इसको दबा देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। और इसको हम चाहें तो यहाँ पर हल्का सा ऐसे फेविकोल भी लगा सकते हैं जिससे ये बार बार हमारा खुले नहीं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दो सर्कल कट करके आईज बना रखी है, जैसा कि अभी हमने आपको क्लास में बताया भी था, है ना, कि हमने ऐसे दो सर्कल कट करके ऐसे आईज बनाई है और उसके बाद हमने इसको हमने इस जगह पे ऐसे ये जो कॉर्नर्स हैं ये देखो, ये नहीं, यहाँ पे, है ना, इसको ऐसे कर लिया और इसको हमने इस जगह पे ऐसे करके पेस्ट कर दिया और हमने इस कॉर्नर में इस तरह से लगाया फेविकोल को और इसको हमने इस तरह से पेस्ट कर दिया, ठीक। अब हमने एक पतला सा पेपर लेकर के ऐसे छोटी सी टंग बनाई है, देखो रेड कलर की, ठीक है, ऐसे हमने छोटी सी टंग बना ली है, दिख रही है, रेड कलर की है ये, है ना। इसको स्नेक की बीच में से टू पीसेस में है, पीछे से राउंड है और आगे से टू पीसेस में है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे करके ऐसे फेविकोल लगा करके, अब देखिए ये जो हमने ऐसे करके फोल्ड किया था ना, इसको हमने जब खोला तो जो पहले हमने करा था, ये देखिए अंदर एक पॉकेट जैसा और निकल आएगा, ये हाँ इस तरह से, ये जो अंदर वाला पीस है उस पर हम लोग इसके नीचे ये यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे करके टंग लगा दी, ठीक, ऐसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब हमने एक इस तरह से पेपर को ले करके ऐसे मोड़ करके इस तरह से ऐसे करके इसकी हमने स्टिक बना रखी है, इसमें हमने ऐसे करके फेविकोल लगा दिया, ठीक है, और इसको हमने ऐसे करके पेस्ट कर दिया तो ये जिससे मेरी हार्ड एकदम बन जाएगी एक स्टिक टाइप की, ठीक है। ये देखिए इस तरह से एक स्टिक बन गई और इसको हमने इसमें फेविकोल लगा के ऐसे मोड़ दिया। और इसको क्या किया, जब यहाँ पे हमने ये जो ऊपर वाला था और जिसमें हमने टंक लगाई थी उसमें हमने इस जगह पे इसको ऐसे करके ऐसे पेस्ट कर दिया, ये यहाँ पेस्ट हो गया, एकदम स्ट्रेट पेस्ट करिएगा जिससे ये इसके अंदर, और ये इसको खोला और ये इसके अंदर चला गया, ठीक, ये हमारा इसके अंदर चला गया। अब ये हमारा इस तरह से हो गया, अब ये पेस्ट ठीक से चिपका नहीं है इसलिए थोड़ा सा, और इसके बाद हमने इसको ऐसे पकड़ लिया। अब ये देखिएगा, जल्दी से मुझे बनाकर मैम के पास भेज दो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।